जब मैं इस क्षेत्र में आई तो एक उद्देश्य देखा, कई शासकीय प्रशासकीय और विभिन्न एनजीओ में कार्यकर्ता लोगों से भी चर्चा हुई। सबसे जब चर्चा होती थी तो एक ही बात समझ में आती थी कि रोजगार और प्रबंधन कौशल तो सभी सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, करते हैं, परंतु प्रबंधन कौशल के उपरांत मार्केट में किस प्रकार से प्रस्तुतीकरण होना चाहिए, क्या संवाद कौशल होना चाहिए, या हम उत्पाद का प्रस्तुतीकरण किस प्रकार से करें कि बस्तर का जो विशुद्ध उत्पाद है वो विशुद्ध रूप से ही उसका लाभ प्राप्त यहाँ के आम जनमानस कर सके। तो ऐसी सुंदर भावना के साथ आसपास के साढ़गुड़ जो होता है वो एक मतलब ऐसे स्थान पर लोकेटेड है जहाँ से आसपास के कई सारे लोग, कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो सकते थे। तो हमने जगदलपुर शहर ना चुन करके जगदलपुर से कुछ दूरी पर स्थित साढ़गुड़ को चुना, केवल इसलिए ताकि यहाँ पे अधिकाधिक संख्या में युवा एकत्रित हो सके। आज जिसका परिणाम था कि बहुत अधिक मात्रा में युवाओं ने सुबह से लेकर के अभी दोपहर का अंतिम पड़ाव होने को है और सभी ने बहुत धैर्य के साथ तीनों सत्रों में अपनी उपस्थिति, बच्चे बहुत खुश होकर और ढेर सारी संवेदनाओं के साथ यहाँ विदा हुए हैं। और हम अनुवर्तन प्रणाली पर काम करते हैं, केवल ऐसा नहीं कि एक बार इस जंगल के क्षेत्र में अपना कार्य किया और चले गए। हमने सबसे फीडबैक फॉर्म भराया है और निश्चित ही हम संपर्क में रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो इन बच्चों को आगे की कड़ी में भी अपने साथ जोड़े रखेंगे। और केवल एक संदेश देना चाहते हैं, जब हम जगदलपुर से थोड़ी दूर साढ़गुड़ आ सकते हैं तो हम इससे अधिक दूर भी अपने बच्चों से मिलने जा सकते हैं, सुविधा उनके द्वार पहुँचा सकते हैं। जो भी बांटने वाले, लड़वाने वाले प्रयत्न है उनकी घोर निंदा करते हुए मिलकर रहेंगे, बटकर नहीं रहेंगे, लड़कर नहीं रहेंगे, प्यार से रहेंगे, यह पैगाम देना और नौजवान और सब लोग इस रास्ते पर चलें। अभी 9 अगस्त पहले बापू ने नारा दिया था क्विट इंडिया, अब फिर क्विट इंडिया चला है, परंतु मैं यही कहूँगा कि ज़रूरत यह है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, हिंसा मुक्त, छुआछूत मुक्त, दंगा मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, अशिक्षा मुक्त यह सारा क्षेत्र बने और राष्ट्रवाद की चमक में से, धर्म जागरण में से, मानवता जागरण में से इस सारे बस्तर की किस्मत फिर से बदले और वह भारत के लिए और दुनिया के लिए मार्गदर्शक मॉडल बने। इसका जो एक प्रयत्न राष्ट्रवादी ताकतों से, मानवतावादी ताकतों से चला है वह समृद्ध हो, इसलिए इस समय प्रवास पर आया। सरकार का कर्तव्य है वो हिंसा को भड़कने नहीं दे और जनजातियों के अंदर आपस में सौहार्द रहे, ना कि हिंसा आए।